Hey guys, welcome back another new video Clash of Clans का। तो हम फिर से आ चुके हैं, तो आज हम वार के ऊपर वीडियो करेंगे। तो guys, हमने वार शुरू किया था और देख सकते हो वार का हालत अभी क्या है। वार पे हम 27 स्टार मार चुका है ऑलरेडी और एनिमी ने 7 स्टार किया है अभी तक 5 अटैक्स में। लगता तो नहीं है कि जीत पाएंगे क्योंकि 3 घंटे अभी भी बचा है, पर उन लोगों का अटैक कुछ खास तो दिखा नहीं है। अभी नीचे का ही बेस और वो भी 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार ऐसा ही एक ही बेस है जो जिसमें 3 स्टार और जो हमारा सबसे कमज़ोर बेस था उसमें। तो गाइज़ आज हम अटैक भी दिखाएंगे आप लोगों को। और गाइज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और गाइस तो इससे पहले अटैक दिखाने से पहले मेरे पास 2 बिल्डर फ्री है। हम क्या क्या कर सकते हैं 2 बिल्डर के साथ, क्या क्या करें। और यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ वॉल्स अपग्रेड करने का मतलब मुफ्त में कर सकते हैं, तो चलो अभी कर लेते हैं। वॉल्स जितने सारे होगा देखा जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो अभी नहीं होगा। चलो मैं 10 हो गया। मैं एलिक्सर और गोल्ड वॉल पे ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं भाई साहब क्या अपग्रेड करें। बुढ़े लेवल 8 का है, मेरे ख्याल से बुढ़े को करना ही सही रहेगा क्योंकि बुढ़ा बहुत ज़रूरी है अटैक के लिए, डिफेंस के लिए भी। तो चलो बुढ़े को ही कर लेते हैं 1 दिन 8 घंटे के लिए। और एक बिल्डर हमारे फ्री है जिसमें हम कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं क्या करें अभी। रिजल्ट टावर बहुत ज़्यादा अच्छा, ये एक वो हमारा लेवल 1 का है, इसको ही अपग्रेड में बिठा देते हैं 4 दिन के लिए। ठीक है गाइस, तो हम अपग्रेड में भी बिठा दिया और माल पानी यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे सब। और अभी चलो चलते हैं वार देखने के लिए कैसा अटैक रहा है। तो ये बेस जो हम लोगों का क्लैन का आर्मर 2 है, जो लीडर है उसका अटैक है। तो चलो इसको हम इसका रिप्ले हम देखते हैं कैसा किया है अटैक। भाई कब मरेगा, इतना टाइम क्यों लिया। इसको क्या कहा जाता है, क्या सुपर ड्रैगन समथिंग की चीज़ में भूल गया थोड़ा दिमाग में आने वाली। और मुझे ये ड्रैगन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब एक ही जगह में एक साथ अच्छा अटैक अभी तो जा रहा है, पर देख कर यार देखना पड़ेगा कहाँ पे ठीक है। निकाल ले भाई, ओह थोड़ा सा रहेगा, चलो निकल गया। चलो टाउन हॉल भी अच्छे से निकल गया है यहाँ पे।
86% गया था इस बेस में गाइस, 2 स्टार मिला था गाइस। मैंने जब दोपहर को काम करने के बाद दोपहर को जब मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस ओपन किया तो मैंने देखा सारे अटैक कंप्लीट, मेरा अटैक करने का बचा ही नहीं। और मैंने आखिर में अटैक किया इस वाले बेस में, ये वाला बेस में, और इसमें पहले से ही 2 स्टार था, मेरा भी 2 स्टार हुआ, इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो लास्ट तक सारा अटैक ये लोग कंप्लीट कर चुका था। तो ये एक और अटैक जिसमें 3 स्टार हमें मिला है Armor 4 का। तो ये बेस बिल्कुल रस्ट है और इसमें भाई 3 स्टार बनता है। इसमें अगर मैं देखता तो मैं भी अटैक पहले मार देता। वार में ऐसे बेस बहुत कम मिलता है अटैक के लिए। ये तो खत्म है भाई, कुछ है ही नहीं देखते मारने के लिए, कुछ है ही नहीं देखते, खत्म है भाई, खत्म। ये वाला अटैक देखते हैं। चलो गाइस ये वाला अटैक देखते हैं। टाउन हॉल 11 में था ये अटैक। चलो देखते हैं किधर से। मीडियम से सीधा एक तरफ से पूरा जो आर्मी था उसी तरफ से घुस रहा है, और बिल्कुल तो टाउन हॉल तक तो आराम से पहुंच गया, आराम से ईगल भी निकल गया और यहाँ पे टॉर्नेडो के पास था, आराम से टाउन हॉल निकल गया। अच्छा पीस चल था यहाँ पे युद्ध का एबिलिटी। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए कुछ बचा ही नहीं है, देखिए कुछ भी बचा नहीं है, बिल्कुल खत्म है। क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। 3 स्टार बनता है भाई ऐसे अटैक में, 3 स्टार आराम से बनता है। मस्त अटैक था भाई, मस्त अटैक था, 3 स्टार 100%। अभी एनिमी का एक अटैक देख लेते हम, ये जो थोड़ा सा अच्छा बेस में किया था ये वाला ही देखेंगे जिसमें 1 स्टार मिला था इनको। इसके तो ये नीचे वाला तो बिल्कुल 9 और 8 का है। चलो ये 10 वाला अटैक देखते हैं कैसे किया था एनिमी ने। पिक का था और हीरो था। अच्छा बुद्ध का एबिलिटी पहले ही दी है, यार लेट करना चाहिए था। और पिक का बाहर दे दिया, बाहर साफ का बाहर बिल्कुल। पिक का क्या पता है, पिक का अगर पहले ही दे देते एक साथ, एक साइड का जो रस्ट था वो खाली करके एक साइड से अगर पिक का स्टार्ट कर देते तो शायद मौका था 2 स्टार या फिर 3 स्टार होने का। पर पिक का 4 तक आ ही गया था, पर पता नहीं, अच्छा उनको उन्होंने रोक लिया। एकदम टाउन हॉल भाई साहब, बहुत एकदम
जस्ट थोड़ी सी थोड़ा सा बच गया, इस वजह से टाउन हॉल रह गया, वरना टाउन हॉल लूज जाता। 55% वन स्टार। चलो गाइस, तो ये वार शायद हम जीत जाएंगे, सोच लो कि जीत ही गए, क्योंकि हमारा 15 अटैक में 27 स्टार ऑलरेडी आ चुके हैं और एनिमी का 5 अटैक में 7 स्टार। तो गाइस, इसको अभी छोड़ के हम निकल जाते हैं। और ये देखो, इसको मैंने आज भी भूल गया, तो इसको उठाना, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ, नहीं जाने दो। मेरा अभी भी एक अटैक बचा है, पर मुझे लगता नहीं अटैक करना चाहिए। तो चलो, मेरा ईगल भी हो रहा है साथ में, चलो ये भी हो रहा है, ये सब। चलो, पांचों बिल्डर जो है काम पे बिजी है अभी, और मेरा ये एक अटैक करूँ क्या? इसको मैं आखिर तक के लिए बचा के रखती हूँ, एकदम आखिरी मिनट पे अगर देखा कि हम लोगों का स्टार के बराबर आ चुका है या फिर क्रॉस कर सकता है, अगर तब जाके मैं ये अटैक करूँगा, ठीक है? तो ये जस्ट एक सेफ लाइन है, इसको मैं बचा के रखता हूँ, और अगर देखा कि नहीं हो रहा है, नहीं कर पाया, तो चलो गई भाई जाने दो। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे कल। और मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर करना, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश रॉयल और हर एक गेमिंग वीडियोस। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, शुक्रिया, बाय बाय।